गुलबर्गा में आज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रिकवरी एजेंट्स के जरिए हैरेसमेंट किए जाने पर फिल्टरबेड टांडे की औरतों ने चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। इन औरतों ने कहा रिकवरी एजेंट से इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए मोहलत मांगी जा रही थी, इसके बावजूद घर पर आकर हैरेसमेंट कर गाली गलौज की जा रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए तैयार की गई कर्नाटका महिला सुरक्षा समिति के तमाम जिम्मेदारों ने पुलिस स्टेशन को विजिट कर सर्कल इंस्पेक्टर से बात की और इमीडिएट एफआईआर कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। इन महिलाओं ने कहा इनके साथ जोर जबरदस्ती कर गलत बर्ताव किया जा रहा है। कर्नाटका महिला सुरक्षा समिति के तमाम जिम्मेदारों ने डिटेल बताते हुए कहा जो पैसा भरने की ताकत रखते हैं वो पैसा भर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान है उनको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर किसी महिला के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रात के 9-10 बजे तक आको घर में बैठते, जाओ सर पैसे नहीं है बोले तो भी नहीं जाते, क्या तो भी करो लाख भरो बोलते। उस दिन ईद के दिन चार चार सरा आको बैठे, सर पैसे नहीं है जाओ ऐसा बोले तो भी नहीं, नहीं मालूम हमारे को क्या भी करो भरो, कहाँ से तो भी मंगले भरो, हमारे क्या बोलते नेले टाइम पे मालूम नहीं हुआ। सर अब नहीं है, परेशानी आई हमारी, नहीं भर सकते बोले तो भी नहीं सुन रहे, फांसी डालो नहीं तो मरो, नहीं तो किधर से भी मंगो भरो ऐसा बोलते, तंग तंग करके रखते, जाओ बोले तो भी नहीं जा रहे। केस करे हम होना, अब केस करे, अब एफआईआर दर्ज होना हमारे को, नया होना हमारे को, इंसाफ होना। 7 दिन आपको हमारे को तंग कर रहे, यासी वासी खर्चा लेको भर रहे तो भी हमारे को नहीं छोड़ रहे, मरो खपो तुम लाखों पैसे भरो बोल को हमारे को बोल रहे, ये भरना करना हमारे हासी नहीं होता। हमारे बहुत मजबूर हुए, हमारे छोटे छोटे बच्चन को भी स्कूल में नहीं ले जा रहे, हमें गौंडी के हाथ में हमारी बच्ची लड़कियों को लेको भी हम जाको खर्चा लाखों लाखों भर रहे तो भी आप नहीं कर रहे, तुम्हें कहाँ भी जाओ भरो बल को हमारे भी तो आपको बोल रहे, तो हमारे भी हासी नहीं होता, ये मरो तुम्हारा तो मरे तो भी लाखो हमारे को भरो बल को बोल रहे हो, तो अभी हम तुम्हारे को माफ नहीं करते, हमें राशन कार्ड बंद करते, आधार कार्ड बंद करते, या मुसलमान रह दो या हिंदू रह दो, हम परिवार एक होकर लड़ रहे हैं, हमारे को ये नया होना हमारे। आज ऑल एनजीओ की तरफ से जो एक मुहिम हम लोग शुरू कर रहे थे माइक्रो फाइनेंस के हरासमेंट फिजिकल अब्यूज के खिलाफ, आज गुलबर्ग में पहला एक कंप्लेन दर्ज हो रहा। ये जो पीछे महिलाएं नजर आ रहे ये है फिल्टरबेड पांडा के, इनके पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के कई सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आकर इनको मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर, यहाँ तक कि इनके ऊपर हाथ भी उठाया गया सो है कल रात में। उसके वीडियोस और प्रूफ लेकर हम लोग यहाँ पे चौक पुलिस स्टेशन आए और विद प्रूफ के साथ यहाँ पर पूरे महिलाओं के कंप्लेन लेटर लेकर हम लोग सर्कल इंस्पेक्टर को दिए यहाँ पर, और ये एक बहुत बड़ा कदम है और वी रियली अप्रिशिएट, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं महिलाओं के जो आगे बढ़कर कंप्लेन दर्ज करने के लिए आए। इसी तरह अगर गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट में तमाम महिलाएं जिसके ऊपर जुल्म हो रहा, जो जिसके ऊपर ये जो वॉयलेट कर रहे हैं ये माइक्रो फाइनेंस वाले रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के, अगर वो महिला उठकर अगर नियर बाय पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ये इनका कंप्लेन दर्ज किया जाएगा। प्रोटेस्ट के टाइम पे जो डिप्टी कमिश्नर आए थे वो भी ये आदेश दिए कि महिलाओं के ऊपर अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिकवरी ऑफिसर्स की तरफ से अगर कोई भी वॉयलेशन होता है या आरबीआई गाइडलाइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट किया जाता है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ये बेहतरीन एक बड़ा स्टेप है और अगर ये एक तरह की ऑल एनजीओ जो हम लोग मुहिम हम लोग काम करें ये हम लोगों की एक तरह की कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि अब तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह सारे महिलाएं उठकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिकवरी ऑफिसर्स जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे, भरोसा है मुझे इस बात। लगातार कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं जो ये माइक्रो फाइनेंस जिसको संघ से नाम से भी जाना जाता है या ग्रुप लोन कहिए आप जिस तरह से भी इसको नाम दिया जाए, हर मोहल्लों में जो औरतें खवातीन परेशान हैं, एक गुलबर्गा में इसके ऊपर एक ऐतिहासिक एहतजाज हुआ जिसमें तमाम वहाँ पर ये औरतें मौजूद थीं अपने अपने परेशानियों को सुनाने के लिए। उसके बाद जो इनिशिएटिव उठाया गया है ऑल एनजीओस की तरफ से गुलबर्गा में, उसका असर आज आप देख सकते हैं, औरतों को हिम्मत मिली है। ये औरतें लगातार हर महीना इनके साथ हरासमेंट हो रहा था, आप क्या भी करना पैसे ला के देना जिस तरह से इनको कहा जा रहा था, ये लोग इनका इंस्टॉलमेंट भरने के लिए कहीं और से कर्जा लेकर आ रहे थे। तो जब वो पूरे ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जब एहतजाज किया, इनको हिम्मत दी, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अब हम कहीं और से खर्चा करने की ताकत नहीं रखते हैं, अब तक जो हमारा खर्चा हुआ वो हो गया है, हम उसको ही जो है ना हैंडल करेंगे और जहाँ तक भी इंस्टॉलमेंट पे करने की बात है संघ की माइक्रो फाइनेंस की, ये लोगों के पास अब उतनी इस्तेदात नहीं है, उतनी ये लोगों के पास ताकत नहीं है कि वो पैसा भरें। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको मोहलत दो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, आप लीगल कार्रवाई कर सकते हैं तो कर लीजिए।
इसके बावजूद भी जो घर पर आकर हैरेसमेंट किया जा रहा है, आज ये जो शाहबाद जो फिल्टर बेड की जो ये औरतें हैं, इन लोगों को आकर वहाँ पर आज डराया गया, धमकाया गया, बताया, इनके पास वीडियोज मौजूद हैं, इनको लगातार हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो आज ये तमाम औरतें एकजुट होकर यूनाइट होकर जो है चौक पुलिस स्टेशन को आई थी। यहाँ पर सर्कल साहब के सामने तमाम लोगों की कंप्लेंट लिखी गई और यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराने का डिमांड किया गया, मुतालिबा किया गया कंप्लेंट देकर। तो जिस तरह से सर्कल साहब ने बहुत अच्छे से तमाम लोगों की बात सुनी और ये तयकुन दिलाया है कि जल्द इस पर जो है ना एफआईआर कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक शुरुआत हुई है फिल्टर बेड से, तो यहाँ से जो शुरुआत हुई है एक मैसेज है तमाम जहाँ पर भी, सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि हमको बीदर से, यादगीर से, हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि वहाँ पर भी इस तरह से हरासमेंट हो रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि वो जो प्रोटेस्ट हुआ वो गुलबर्गा के लिए था, ये दूसरे तालुकों के लिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, वहाँ के लोगों को भरना होगा ऐसा नहीं है। जहाँ भी लोग परेशान हैं ये उनके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, वो लोग अगर परेशान हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है डरने घबराने की, वो लोग अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते तो वो लोग आपको हैरेसमेंट नहीं कर सकते। तो जिस तरह से ये औरतें एक होकर पुलिस स्टेशन को आकर कंप्लेंट दी हैं, आप लोग भी अपने एरिया के जिम्मेदारों को पकड़कर या हमसे रब्ता कर जो है कंप्लेंट रेडी करके ले जाके अपने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में केस करा सकते हैं इनके ऊपर। और एक चीज़ मिसगाइड की जा रही है, जो एहतजाज हुआ वहाँ पर चौक स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर बुक हुई है, उस एफआईआर के बेसिस पे या माइक्रो फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट हैं वो ये औरतों के घरों पर जाकर ये बोल रहे हैं कि जो एहतजाज में तुम लोग गए थे वहाँ पे उल्टा तुम्हारे ऊपर केस हुआ। तो हम लोग इलीगल हैं, तुम हमारा क्या भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे ऊपर केस हुआ, पैसे भरना पड़ता। तो उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से औरतों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। जो एफआईआर हुआ है वो प्रोटेस्ट करने पर नहीं हुआ, रोड ब्लॉक करने के लिए हुआ है, चाहे रोड डीसी ऑफिस की हो, चाहे चौक पुलिस स्टेशन के सामने की हो, या रिंग रोड हो, या तुम्हारे घर के सामने की भी रोड हो, अगर रोड को ब्लॉक किया गया तो वहाँ पे केस होता है। वो हमको पहले से नॉलेज में था, हमारे सिराज साहब भी हैं, खालिद अबरार साहब हैं, ऐसे कुछ 7 लोगों के ऊपर उसमें हमारे ग्रुप में जो है ना एफआईआर हुआ है। तो मैं ये माइक्रो फाइनेंस के जो एजेंट हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, हमको पहले से इस चीज़ का नॉलेज था और हम लोग डरने घबराने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी केसेस हुए हैं एहतजाज करने पर, रोड ब्लॉक करने पर। ये आप लोग औरतों को जाकर गुमराह करना बंद करिए। तो हम तमाम औरतों को एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अगर किस तरह से हैरेसमेंट किया जाता है तो आप भी जो है ना इनकी तरह पुलिस स्टेशन को जाकर उनके खिलाफ केस बुक करा सकते हैं। मैं सभी गुलबर्गा के जितने भी खवातीन हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये आपके जो आधार कार्ड की धमकी दी जा रही है, राशन कार्ड की धमकी दी जा रही है, पैन कार्ड की धमकी दी जा रही है, और जो 2000 रुपये आ रहे हैं वो बंद करा दिए जाते, बल्कि ये इस तरीके से वसूल कर रहे हैं जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे, पहले तो बाप की जागीरी नहीं है, इसे कोई बंद करा नहीं सकता। वो तो छोड़े, एक मामूली था छोटा सा आईडी कार्ड बंद करा के बताओ जब तुमको हम मानेंगे। ये औरतों पे जो है ना अपनी ताकत दिखाना बंद करो। किसी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट अगर ये काम कर रही है, पहले तो उनको रिकवरी एजेंट को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये लोगों को यहाँ ऑफिस पर आकर अगर पैसे भरने हैं तो उनको एक टाइम देना चाहिए, वो लोग आकर वो पेमेंट करें। अगर नहीं पेमेंट कर सक रहे हैं तो लीगल एक्शन ले, बजाय इसके रिकवरी एजेंट्स को भेज रहे हैं वहां पर, ग्रुप लीडर्स को बोल रहे हैं कि इनको जो है जबरदस्ती करो, इनको किसी भी तरीके से पैसा भरने के लिए मजबूर करो। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं इसके खिलाफ में अब एक आवाज मजबूत होते जा रही है। ये किसी भी मजहब का नहीं है मामला, ना ये हिंदू का है, ये ना मुसलमान का है, ये महिलाओं का है। इसीलिए हम लोगों ने कल एक मीटिंग कर ये डिसीजन लिया है कि इसको महिला सुरक्षा समिति, कर्नाटका महिला सुरक्षा समिति के नाम से हम लोग आने वाले जो भी स्टेप्स हैं वो लेंगे और इन लोगों की मदद करने के लिए, इन लोगों की सेफ्टी के लिए काम करने का हमारा एक इरादा है, अजम है, उस पर हम काम करेंगे। हमारी ये मांग है कि अगर आज हमने माइक्रो फाइनेंस के ऑफिसर्स के ऊपर कंप्लेंट की है, अगर आप माइक्रो फाइनेंस के ऑफिसर्स लीडर्स से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप माइक्रो फाइनेंस के ऑफिसर्स के साथ देंगे तो हम कल के दिन हम आपके ऊपर भी कंप्लेंट करेंगे। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं खास करके माइक्रो फाइनेंस के संघ के लीडर्स से कि वो अपने महिलाओं का साथ दीजिए, अपने ग्रुप का साथ दीजिए। जो भर सकते हैं पैसे उनको भरा लीजिए, जो नहीं भर सकते उन पर फोर्स मत करिए, अगर फोर्स करेंगे तो फिर आप पे पर भी कार्रवाई होगी। बट फिर भी जो हमारी सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट जो है इसको भी वो लोग हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। ये लोग हमारे लेडीज में बहका रहे हैं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं मुस्लिम के लिए है, ऐसा बहका रहे हैं। तो इस बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम हिंदू या मुस्लिम देखकर नहीं आती, जब प्रॉब्लम आती है तो सबको प्रॉब्लम आती है। तो इस पर एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत।
होते हैं और कानूनन कार्रवाई करें, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लें, मार तोड़ का रास्ता ना अपनाएं, सीधा जाकर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो भी हो, कलेक्शन एजेंट हो या आपकी संघ की लीडर हो, अगर कोई आपके ऊपर हैरेसमेंट कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कंप्लेंट डालना लगाएं।